आप में से कई सारे लोगों ने कोई ना कोई रूट में ट्रैकिंग किया ही होगा। तो वैसे ही आज हम भी जा रहे हैं पारो में ट्रैकिंग के लिए, पर ये ट्रैक की बात ही कुछ अलग है। ये ट्रैक दूसरे कोई भी ट्रैक से अलग साउंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइकिंग करके हमें जाना है भूटान के बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेस जो है तकसंग गुम्पा और टाइगर्स नेस्ट। पारो से रास्ते में आते वक्त आप जब इसका व्यू और लोकेशन देखते हैं ना, तभी आपको लगता है कि बस ये अपने आप में कोई अजूबे में से कम नहीं है। यहाँ बेस पे पहुँचते ही ये जगह का मैग्नेटिक फोर्स आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपको एकदम से फीलिंग आती है कि मुझे ये ट्रिक करना ही है और वहाँ पहुँचना है। गुड मॉर्निंग ऑल, और आज हमारा दूसरा दिन है पारो में, और आज हमने जल्दी स्टार्ट किया है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ट्रैकिंग करके। उसके लिए हमने टिकट ले लिया है जो है 500 रुपीस, और हमने ये स्टिक भी लिया है जो रेंट पे मिलता है जिसका प्राइस है 50 रुपीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भूटान में पहले पारो आते हैं तो पहले एक दिन लोकल साइट सीन कीजिए, पारो सिटी एक्सप्लोर करिए और थोड़ा रेस्ट करके दूसरे दिन टाइगर्स नेस्ट जाइए, क्योंकि ये ट्रैक मॉडरेट लेवल का है। पर अगर आप रेगुलर ट्रैकर हैं और हाइकिंग करते हैं तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। ट्रैकिंग में आप अपने साथ थोड़ा नाश्ता लेके जाइए, स्पेशली चॉकलेट्स, केक या एनर्जी ड्रिंक, ये आपके बहुत काम आएगा। और जितना पॉसिबल हो इतना सुबह को जल्दी चालू कर देना, तो ये दोपहर तक शाम होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पहुंचने में करीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। फिर वहाँ पे टेंपल विजिट में 1 घंटा लगता है और रिटर्न में 1.5 घंटा लगता है, तो पूरा ट्रिक मिनिमम 6 से 7 घंटे का रहता है। और अगर आप चढ़ने के लिए कम्फर्टेबल नहीं हैं तो आप घोड़े पर भी जा सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से मोनेस्ट्री का क्लियर व्यू दिख रहा है, और यहाँ पे ब्रेक लेके आप वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आधे रास्ते में बीच में एक कैफे भी है, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और नाश्ता कर सकते हैं। और अगर आपने घोड़ा करवाया है तो वो यहाँ तक ही आएगा, इससे आगे आपको चल के ही जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है, और यहाँ पहुँचने के बाद फर्स्ट टाइम मॉनेस्ट्री का पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। वैसे मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा बता देती हूँ कि गुरु पद्मसंभवा जब सबसे पहले 8वीं सदी में भूटान आए थे, तब उन्होंने पूरे भूटान में सभी जगह देखा, थिम्पू, पुनाखा, पर उन्होंने पारो में ये जगह जो पहाड़ में 10,240 फीट पर एक क्लिफ में आया हुआ है उसे सिलेक्ट किया मेडिटेशन के लिए। और जब वो लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर, तो वो उसके अग्रेसिव मैनिफेस्टेशन में अपनी वाइफ जिन्होंने भी टाइग्रेस का रूप लिया था उसके पीठ पे सवार होकर आए थे। और यही रीज़न है कि ये जगह को तकसंग कहा जाता है, जिसका मीनिंग ही होता है टाइगर्स नेस्ट। गुरु पद्मसंभवा जो तिब्बत से आए थे, उसको भूटान में बौद्ध धर्म के प्रणेता माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को भूटान में स्थापित किया था और प्रचार किया। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे बिल्कुल सीधा पीछे देख रहे हैं टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, पर वो सीधा नहीं है। वहाँ जाने के लिए कुछ स्टेयर्स पे जाना पड़ेगा, अप एंड डाउन 700 स्टेयर्स है, और फिर आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे स्टेयर्स के लिए।
यहाँ पे मोनेस्ट्री में 5 मंदिर है। उसमें गुरु पद्मसंभवा के अलग अलग 8 रूप या मैनिफेस्टेशन को दर्शाया गया है। यहाँ पे टिकट के साथ गाइड कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऊपर पहुँच के आप गाइड के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि ये मोनेस्ट्री की हिस्ट्री बहुत ही रोमांचक है और अंदर जो भी मंदिर है उन सब के बारे में गाइड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी यहाँ रास्ते में बारिश हो रही है, तो आप जाते वक्त छाता या रेनकोट ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। फ्रेंड्स, टाइगर्स नेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग, थ्रिलिंग और एडवेंचरस रहा। यहाँ पे खास बात ये है कि ये टेरिटरी में आते ही आपको पॉजिटिव वाइब्स और गुड ऑमेंस फील होते हैं। तो अगर आप पहली बार भूटान आए हैं और आप टाइगर्स नेस्ट नहीं जा रहे हैं, तो आपकी भूटान की ट्रिप अधूरी है। मतलब अगर आपने भूटान में टाइगर्स नेस्ट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सो इन शॉर्ट, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग प्लेस इन भूटान। और अब हम वापस बेस पे पहुंच चुके हैं और फाइनली हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया और इसमें हमें बहुत मज़ा आया। टाइगर्स नेस्ट बेस पे एक मार्केट है जहाँ पे आप बहुत ही यूनिक और रिजनेबल प्राइस में सोवेनियर खरीद सकते हैं। अगर आपको पारो में से कुछ भी सोवेनियर खरीदना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट से आपको यहाँ डेफिनेटली कम प्राइस में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो है भूटान सीरीज का। अगर आप बाय रोड भूटान आना चाहते हैं तो कैसे आए, परमिट कैसे लें और कैसे ट्रिप प्लान करें, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय और आपका धन्यवाद।